आगरा कॉलेज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि आगरा कॉलेज में जल्द एक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। बिना यूनिफॉर्म के अगर छात्र प्रवेश करते हैं तो उनका प्रवेश उन्हें नहीं मिलेगा, उनका प्रवेश निषेध है। आपको बता दें कि ऐसा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया गया है। आगरा कॉलेज के नए प्रिंसिपल ने एक नई रणनीति बनाई है जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। आगरा कॉलेज में जल्द जारी होगी यह नई गाइडलाइन। आपको बता दें कि आगरा कॉलेज में जल्द बदलाव देखने को मिलेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी देखने को मिलेगा। अगर बिना यूनिफॉर्म के छात्र कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मी राज सिंह के साथ। तो लक्ष्मी, क्या है वो नई रणनीति, किस तरीके से इस नई रणनीति को लागू किया जाएगा कॉलेज में? देखो अंजलि, मैं आपको बता दूं, जो आगरा कॉलेज है वो अपने 200 साल पूरे कर चुका है। इस गौरवशाली जो आगरा कॉलेज का जो इतिहास रहा है बड़ा ही अच्छा रहा है, और इससे ऐसे जो छात्र छात्राओं को आगे उभर के आए हैं, जो उपराष्ट्रपति, कई सारे मंत्री, चौधरी चरण सिंह जिनको अभी जो है भारत रत्न जो मिलेगा उनको जो है उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं, वो भी इसी विश्वविद्यालय से जो है जो आगरा कॉलेज से पढ़े हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की शुरुआत भी नहीं हुई थी उससे पहले ये आगरा कॉलेज है यहाँ का जो है, और ये आगरा कॉलेज जो है लगातार जो है एक समय में इतना यहाँ पर डिसिप्लिन हुआ करता था, जब यहाँ पर जो मुख्तार सिंह जो प्रिंसिपल हुआ करते उनके जो कल को बहुत बेहतर आगरा कॉलेज के लिए माना जाता था, तो उसी को देखते हुए अब जो नए जो यहाँ के प्रिंसिपल बनाए गए हैं, सी के गौतम जो बनाए गए हैं, उन्होंने नई रणनीति बनाई है, क्योंकि उनको अभी कुछ ही दो ही दिन उनको अभी कार्यभार संभाले हुए हैं, तो वो नई रणनीति बना रहे हैं कि ताकि जो छात्र छात्रों का बेहतर जो भविष्य वो बना पाए, ताकि जो है क्योंकि वो जब उनका यहाँ पर अच्छा भविष्य पढ़ेंगे, जो अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छा ज्ञान यहाँ पर अर्जित करेंगे, तभी तो वो जो है आगे अपना भविष्य उज्जवल कर पाएंगे, तभी वो किसी बड़ी कंपनी में काम कर पाएंगे। जो लोग काम नहीं कर पाएंगे वो अपने नए बिजनेस खोलेंगे। जो लोग अपने जो महिला हैं जो यहाँ से अभी जो छात्राएं हैं जो महिला बनेंगी, जब अपने परिवार को अच्छे तरह संभाल पाएंगे, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा पाएंगी, तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है। जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है लगातार वो तवातोड़ जो है बैठकें कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं कि किस तरह की रणनीति बनाई जाए आगरा कॉलेज को बेहतर करने। सबसे पहले उन्होंने जो रणनीति बनाई है कि यूनिफॉर्म को लेकर, क्योंकि जब तक कॉलेज में डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक कैसे जो है उसका भविष्य सुधरेगा। तो पहले सबसे पहले उनका यही है कि मोटो कि पहले जो है विश्वविद्यालय की जो छात्र छात्र आते हैं उनको यूनिफॉर्म में उसको ही प्रवेश करें। जी लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि आगरा कॉलेज में जल्द बदलाव देखने को मिलेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही आपको बता दें कि जो नए प्रिंसिपल आगरा कॉलेज में आए हैं उन्होंने नई रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। पहली रणनीति उन्होंने यूनिफॉर्म को लेकर बनाई है, बिना यूनिफॉर्म के छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही शिक्षा में सुधार करने के लिए बैठक भी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि आगरा कॉलेज में अब आपको नए बदलाव दिखाई देखने को मिलेंगे वहां पर, और नई रणनीतियां नए प्रिंसिपल द्वारा जो लागू की गई हैं। सबसे पहली रणनीति है कि जो बिना यूनिफॉर्म के छात्र आते हैं अब उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बिना यूनिफॉर्म के छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार बैठक भी की जा रही है।